नमस्ते जय श्री कृष्णा। आज हम यूज़ करेंगे पुराने कपड़ों का। तो आपके पास भी बहुत सारे कोई भी पुराने ऐसे कपड़े पहने पड़े हुए होंगे जिसका बहुत ही ढेर जमा पड़ा हुआ होगा आपके पास। तो ऐसे ही कुछ कपड़े आप इसके साथ इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कुछ आइडियाज़ दिए हैं, आप उसे देख के आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मैंने छोटे बच्चों के कपड़े हैं तो उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। प्लाजो था ये बच्चे का, तो उसे मैंने इस तरह से कट कर लिया और इस तरह से फिर मैंने उसे पूरे इस तरह से सीधा कट कर लिया है। ये देखिए, और उसका मेज़रमेंट होता है 11 इंच यहाँ से, तो मैंने यहाँ से 11 इंच लिया और एक्स्ट्रा था इस साइड भी, उसे मैंने भी कट यहाँ पे भी मैंने कट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, तो इसका लंबाई है अभी 18.5 इंच और इसका चौड़ाई है 11 इंच। तो हमें फॉर्म सीट और नॉन वन के साथ इसे अटैच कर लेना है और इसे हमें जॉइंट कर लेना है, क्विल्ट कर लेना है। यहाँ पे मैंने फॉर्म सीट के बदले यहाँ पे नॉन वन लिया के बदले, ये मैंने जो नॉन वन रहता है उसके बदले मैंने यहाँ पे लिया है शॉपिंग बैग। अब हमें क्या करना है, तो क्विल्ट करने के बाद हमें ऊपर की साइड से यहाँ पे 11 इंच की जिप लेनी है और उसे इस तरह से अटैच कर लेना है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ से हमें 11 इंच की जिप ली और उसे ऊपर की साइड से अटैच करके फिर हमें प्रेस स्टिच कर लेना है। और सेम इसी तरह हमें सामने की साइड भी जिप को अटैच कर लेना है। ये देखिए, जिप को हमें उल्टा रखना है ताकि हमारी जिप अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि और सीधी सेट हो, क्योंकि अब उल्टी रखने के बाद जिप हमारी सीधी होगी और उसे अब प्रेस स्टिच करने के बाद हमें वहाँ पे एक रनर को भी अटैच कर लेना है। ये देखिए, इंसर्ट कर लेंगे हम इसके अंदर रनर को। अब जो हमारा पार्ट हमने रेडी किया उसे इस तरह से उल्टा कर लेना है हमें। यहाँ पे हमारा पार्ट है जो, उसे हमें उल्टा करने के बाद सेंटर में इसे नीचे की साइड हमें कट मार्क लगा लेने हैं। और अब हमें जो एक्स्ट्रा जिप है उसे भी कट कर लेना है। तो दोनों साइड से हमें जिप को कट कर लिया है, एक्स्ट्रा था उसे। अब हमें सेंटर में जो कट मार्क लगा है वहाँ पे जो हमारा जिप है उसे मैच करके वहाँ पे पूरे में यहाँ तक हमें स्टिच कर लेना है। ये देखिए, एक साइड से स्टिच किया है सेम टू सेम, इसी तरह सामने की साइड भी, दूसरी साइड भी हमें स्टिच कर लेना है। तो हमारा दूसरी साइड भी स्टिच हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ऊपर की साइड से हमें दोनों साइड से 1 इंच इतना मार्किंग करना है। ये देखिए, यहाँ पे हमने 1 इंच लिया और यहाँ पे भी 1 इंच, और इसी तरह हमें चारों कोनों को 1 इंच का इस तरह से मार्क करना है और वहाँ पे हमें कट लगा लेना है। तो ये देखिए, हमारा चारों ओर से कट हो चुका है। तो अब हमें क्या करना है, तो इसे इस तरह से ओपन कर लेना है और फिर उसी के ऊपर हमें इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये देखिए, इसी तरह सेम टू सेम हमें चारों के चारों कोनों को जो कट किया है उसे इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है। हमारे चारों कोनर जो कट किए हुए थे उसे हमने स्टिच कर लिया। ये देखिए इस तरह से, तो हमारा एकदम बहुत ही प्यारा सा एक ऑर्गेनाइज़र हमारा बन के रेडी है। ये बहुत ही यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र हमारा बन के रेडी हुआ है। ये देखिए इस तरह से, आप इसके अंदर कुछ भी ऑर्गेनाइज करना चाहे वो कर सकते हैं। इस तरह से कोई भी ज्वेलरी है, कोई भी हैंकी है, या कुछ भी है, मेडिसिन है, ब्रश पेस्ट, या आप कुछ भी इसके साथ ऑर्गेनाइज करना चाहे तो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बहुत ही यूज़फुल है ये। और ये देख, हमारा था एक आइडिया फर्स्ट, अब हमारा आइडिया है ये दूसरा आइडिया है उसी प्लाजो वाले कपड़े के एक साइड के पार्ट में से हमने जो किया, इसी तरह हमें दूसरे पार्ट को भी इस तरह से फोल्ड करना है 4 फोल्ड में। और फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ से इस तरह से सीधी लाइन बना के वहाँ पे हमें कट कर लेना है। और ऊपर की साइड से अब हमें इस तरह से हल्का सा राउंड शेप देना है और उसे कट कर लेना है। यहाँ पे हमने लगभग 1.5 इंच जितना राउंड दिया है। अगर आप चाहे तो उतना दे सकते हैं, उसे कम भी ले सकते हैं राउंड में। तो अब हमें क्या करना है, इसका लंबाई और चौड़ाई जो मेज़रमेंट है वो है 16x12.5 इंच। तो अब हमें इस तरह से मेज़रमेंट लेने के बाद हमें क्विल्ट करके इसे भी रेडी कर लेना है। और अब हमें ऊपर की साइड से इसे कट कर लेना है। यहाँ पे भी हमारा मेज़रमेंट है 1.5 इंच जितना। तो अब हमें वहाँ पे ऊपर से कट करने के बाद यहाँ पे हमें जिप को अटैच कर लेना है। जैसे हमने फर्स्ट ऑर्गेनाइज़र में जिप को अटैच किया सेम टू सेम, इसी तरह हमें इसके अंदर भी जिप को उल्टा रखना है, फिर उसके ऊपर स्टिच करना है, फिर हमें जिप को सीधा करके उसके ऊपर स्टिच कर लेना है, प्रेस स्टिच कर लेना है।
तो इस तरह हमारे ज़िप अटैच हो जाएगी आसानी से। और अब हमें इसके अंदर रनर को इंसर्ट कर लेना है। रनर को भी इंसर्ट करना एकदम आसान है। अगर किसी को भी बहुत ही कठिन लगता है तो वो इसे एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ही इजीली रनर इंसर्ट करना आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, तो इसके ऊपर एक और शॉपिंग बैग का पार्ट हमें कट करना है इसी के पॉकेट के नाप का, और उसे इसके साथ हमें अटैच कर लेना है। दोनों साइड से जो एक्स्ट्रा है कपड़ा उसे हमें कट कर लेना है, और फिर हमें यहाँ पे नीचे की साइड से भी इसे पैक कर लेना है ताकि हमारा पॉकेट एकदम फिनिशिंग में अच्छे से बन के रेडी हो जाए। और उसके बाद हमें क्या करना है, तो ये जो हमारा पार्ट है उसे इस तरह से सेट कर लेना है, और फिर वहाँ पे हमें जो जिप का पार्ट है उसी के नीचे की साइड हमें मार्क कर लेना है। और अब हमें एक और क्विल्टेड पार्ट लेना है इस तरह से, और उसे इस तरह से नीचे की साइड से हमें इस तरह से कट कर लेना है दोनों साइड से, ये देखिए। और फिर ऊपर की साइड से भी हमें कट कर लेना है, दो पार्ट बना के रेडी कर लेने हैं। तो ये देखिए, हम ऊपर की साइड से हमें राउंड शेप दे देना है ताकि हमारा ये पार्ट बन के रेडी हो जाए, इस तरह से शेप आएगा उसका। और फिर हमें जो सेंटर में कट मार्क लगाया था वहाँ पे हमें इस तरह से इसे अटैच करते जाना है। ये देखिए, यहाँ से हमने इसे अटैच किया सेम टू सेम। इसी तरह हमें दूसरे पार्ट को भी इस तरह से राउंड में अटैच करते जाना है। ये देखिए, हमारा यहाँ पे दूसरा पार्ट भी अटैच होके रेडी है दूसरी साइड से। अब हमें क्या करना है, सेम इसी तरह हमें दूसरे पार्ट को भी सामने की साइड अटैच कर लेना है, और उसके बाद फिर हमें इस तरह से दो बेल्ट लेने हैं और उसे इस तरह से हमें क्विल्ट कर लेना है, रेडी कर लेना है। हमें बेल्ट बना के रेडी कर लेना है फोल्ड करके, ये देखिए। और इसकी लंबाई है, यहाँ पे हमने 19 इंच इसकी लंबाई ली है, ये देखिए। तो हमारे बेल्ट लिए है 19 इंच के, और उसे अब हमें मेन पार्ट है जो उसमें हमें सेंटर में मार्क करना है, और फिर हमें यहाँ पे दोनों साइड से 3-3 इंच जितना मार्किंग लेना है, ये देखिए। और फिर वहाँ पे हमें इस तरह से बेल्ट को अटैच कर लेना है। दोनों साइड हम इसी तरह बेल्ट को अटैच कर लेंगे। हमारे दोनों साइड बेल्ट हमारे अटैच होके रेडी है। और अब हमें क्या करना है, तो ऊपर की साइड का हमें मेज़रमेंट लेंगे, ये देखिए, यहाँ से लेके हमें सामने की साइड तक हम मेज़रमेंट लेंगे। तो हमारा मेज़रमेंट होता है 15 इंच। अब उसी 15 इंच की जितनी हम एक जिप लेंगे, ये देखिए। और फिर हमें जिप के अंदर रनर को इंसर्ट कर लेना है, और जो हमने साइड में जो पार्ट अटैच किए राउंड शेप के जो सर्कल टाइप के, वो उसे हमें जिप के साथ अटैच कर लेना है यहाँ से, और फिर जिप को हमें सामने की साइड भी फर्स्ट अटैच कर लेंगे। हम इस तरह से आमने सामने फर्स्ट जिप को अटैच कर लेंगे, उसके बाद हम दोनों साइड में अटैच करेंगे, तो हमारे जिप में जो इस तरह से अच्छी फिनिशिंग में जिप हमारी अटैच होगी। और ऊपर की साइड से एक साइड से खींचेगा नहीं, ये देखिए, ऊपर की साइड से जो हमने जिस तरह से इसे अटैच किया है बिल्कुल इस तरह हमें अटैच कर लेना है। तो अब हमें इसी तरह सामने की साइड भी इसे जिप को अटैच कर लेना है। तो हमारी जिप अटैच होके रेडी है। अब हमें जिप में प्रेस स्टिच कर लेनी है, तो और हमारी पर्स भी बनके रेडी है। बस प्रेस स्टिच करने के बाद ये पर्स हमारी बिल्कुल रेडी टू यूज़ होगी। बहुत ही प्यारी पर्स हमारी ये बनके रेडी हुई है। यहाँ पे दो पॉकेट की है, ये बहुत ब्यूटीफुल और खूबसूरत बनी है हमारी यहाँ पे ये पर्स। तो आपको हमारी वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, ऑन कर दीजिए उसे। और इसी तरह नए आइडिया के साथ हम मिलते रहेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट।